हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और बहुत ही इनिशियल स्टेज की प्रोग्रामिंग सवाल पूछ लिया है एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे ने, कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर कोई भी ऐसा इनिशियल स्टेज का प्रोग्राम बना दीजिए जो कि मॉड्यूल के जरिए बनाया जाए। यानी कि मॉड्यूल आपको कहां मिलेगा, आप अगर यहां पर आएंगे क्रिएट पर तो यहां पर आपको मॉड्यूल दिखाई पड़ेगा और यहां पे तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक्चुअली ये मैक्रोस एंड कोड का सेक्शन है तो यहाँ पे विजुअल बेसिक दिखाई पड़ेगा, क्लास मॉड्यूल और मॉड्यूल। तो या तो आप क्लास मॉड्यूल का यूज करके बना दीजिए या तो मॉड्यूल का यूज करके बना दीजिए। तो यानी कि एक तरह से उन्होंने कहा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बनाइए। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे, मतलब कि हम जो टाइप करें वही आ जाए, उसमें टेक्स्ट बॉक्स में वही आ जाए और ये फॉर्म में बनाना है हमें। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां से ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूं, ये ब्लैंक फॉर्म ले लिया, यहां से डिजाइन व्यू पे आ जाइए। डिजाइन व्यू पे आ गया और यहां से एक बना लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहां से चलता हूं टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, तो डिजाइन पे आ जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। यहां पर इसे ड्रैग करवा दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ड्रैग करवाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब करना क्या है, यहां पे करना हमें ये है कि सबसे पहला काम कि इसको सेव कर लीजिए। आप सेव कर लिया, फॉर्म वन के ही नाम से सेव कर सकते हैं या कोई नाम दे सकते हैं, चलिए फॉर्म वन ही रहने देते हैं, ठीक है। ये फॉर्म वन कर लिया हमने, अब क्या करना है आगे, जैसे ही आप फॉर्म वन करेंगे तो फिर अब हमें इस फॉर्म को क्लोज कर देना है। तो क्लोज कर दिया, अब क्या करना है आगे, तो फिर अब हमें कहां चलना है, क्रिएट पे वापिस आना है और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा मॉड्यूल। यहाँ पे क्लास मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल है। अभी हमको क्लास मॉड्यूल का प्रयोग नहीं करना, मॉड्यूल ले लेते हैं। ये मॉड्यूल ले लिया हमने और मॉड्यूल को लेने के बाद क्या करना है, यहां पर फंक्शन बनाना है। तो मान लीजिए मैं बना देता हूं माई फन के नाम से एक फंक्शन बना देता हूं, ठीक है। और माई फन नाम से हमने क्या किया, ये फंक्शन बना दिया, लेकिन यहां पर हमें यह भी तो बताना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो फंक्शन बना रहे हैं तो यहां लिख देता हूं फंक्शन, ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना है माई फन, क्योंकि हम यही नाम देना चाहते हैं उस फंक्शन को जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये फंक्शन जो बनेगा वो किस चीज के लिए होगा, यहाँ पे दे दीजिए एज। अब हम ये चाहते हैं या तो प्लस में वैल्यूज टाइप कर पाए आप या तो माइनस में टाइप कर पाए, तो मैं यहाँ कर देता हूं एज इंटीजर। एज इंटीजर कर देने से या तो प्लस में वैल्यू टाइप कर पाएंगे या तो माइनस में टाइप कर पाएंगे। अब सेम यही जो फंक्शन है वो आपको यहां लिखना है नीचे, यहां पे लिख देता हूं माई फन, ये लिख दिया। और माई फन लिखने के बाद यहां पर हमें इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। और यहां पर जो भी आप देना चाहते हो बाय डिफॉल्ट, जैसे यहां पे कर दिया मैंने माइनस 100, तो ये माइनस 100 हमें प्रिंट करके देगा और ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यहां पे मॉड्यूल वन आ रहा है, मॉड्यूल वन ही रहने देते हैं। और अब इसको क्लोज करने की बारी है तो क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्म पर, ये देखिए मॉड्यूल वन नाम से आ चुका है। फॉर्म पर आने के बाद इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए और यहां पर क्लिक कर दीजिए, ये जो अनबाउंड है इसी पे क्लिक कर दीजिए। प्रॉपर्टी शीट को ओपन कर लीजिए, प्रॉपर्टी शीट को ओपन करने के कई तरीके हो सकते हैं, यहां पर क्लिक करके भी प्रॉपर्टी शीट को ओपन किया जा सकता है, ठीक है। और आप यहां से भी प्रॉपर्टी शीट को ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको यहां पे ध्यान रखनी है कुछ चीजों के बारे में, कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। यहां पर क्लिक रखना है, ये जो अनबाउंड है ना इसी पे क्लिक रखना है, और क्लिक रखेंगे तो ये जो विंडो ओपन हो, क्या करेंगे हम, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू में आ जाइए और यहां पे इज इक्वल टू हमने बनाया था माई फन, देखिए यहां पे माई फन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए माई फन जो हमने बनाया फंक्शन वही आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसको ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहां से इसको सेव कर लेता हूं, तो ये सेव हो गया। अब यहां से इसको रन करवाने की बारी है, ये देख रहे हैं यहां पर रन करवाना है हमें इसे। तो यहां पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिया था, माइनस 100 दिया था, तो ये माइनस 100 प्रिंट होकर आ जा रहा है। तो बहुत ही इनिशियल स्टेज का प्रोग्राम पूछा गया था मुझसे मॉड्यूल के जरिए, तो ये मॉड्यूल के जरिए इनिशियल स्टेज का छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाकर दिखाया है। इसका बड़ा यूज आप तब कर पाएंगे जब छोटी छोटी चीजें आपको तैयार रहेंगी, छोटी छोटी चीजों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो छोटे से स्टार्ट कीजिए फिर बड़े तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।